तो दोस्तों आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M32 5G और Redmi Note 10 Pro के फुल कंपैरिजन के बारे में। देखते हैं इन दोनों डिवाइस में से कौन सा डिवाइस लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग की बात करें तो M32 5G का 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वर्जन आता है 21,000 रुपये का, डिस्काउंट के बाद वो मुझे पड़ा है 19,000 रुपये का। वहीं Redmi Note 10 Pro का 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन आता है 18,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये में M32 5G लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर Redmi Note 10 Pro 4G लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, यही डिस्कशन इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। बात करें अगर डिज़ाइन की तो Redmi Note 10 Pro और Galaxy M32 5G में कुछ ये डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। दोनों ही डिवाइसेस का डिज़ाइन एकदम यूनिक है पुरानी किसी भी डिवाइस से। अगर दोनों ही डिवाइस के इंडिविजुअल डिज़ाइन की बात करें तो M32 5G में बैक पर आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश, जबकि Redmi Note 10 Pro आता है मैट फिनिश के साथ। कैमरा शेप की बात करें तो वो भी दोनों का बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है और कुछ नया यूनिक लुक आपको देखने को मिलता है। कलर भी दोनों का ही काफ़ी अमेजिंग लगता है। अब डिज़ाइन के मामले हमेशा बोलता हूँ कि आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। फ्रंट से Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, वहीं Galaxy M32 5G में आपको मिलता है टाइप बी नॉच डिस्प्ले। इसके अलावा डिमेंशन की बात करें तो Note 10 Pro का स्लिमनेस 8.1 mm वेट है 193 ग्राम, वहीं M32 5G का स्लिमनेस है 9.1 mm और वेट है 205 ग्राम। यानी कि कॉम्पैक्टनेस के मामले में यहाँ Redmi Note 10 Pro ज़्यादा बेहतर है M32 5G से। इसके अलावा Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, यानी कि यहाँ पर आप दोनों सिम और SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो, जबकि M32 5G में आपको मिलता है हाइब्रिड सिम स्लॉट, यानी कि या तो आप दो सिम एक बार में यूज कर पाओगे या फिर एक सिम और एक SD कार्ड। तो इस कंडीशन में भी Redmi Note 10 Pro ज़्यादा बेहतर है M32 के कंपैरिजन में। बात करें अगर डिस्प्ले की तो Galaxy M32 5G में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD+TFT डिस्प्ले, वहीं Note 10 Pro में आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD+AMOLED डिस्प्ले। अब यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, ना तो रिजोल्यूशन के हिसाब से ना ही परफॉर्मेंस के हिसाब से। डिफरेंस आप यहाँ देख ही सकते हो, Galaxy M32 5G का डिस्प्ले पूरी तरह से डल नज़र आता है Note 10 Pro के सामने। बाकी का ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी Note 10 Pro का काफ़ी अमेजिंग है। आउटडोर में आपको Note 10 Pro यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इंडिविजुअली यहाँ कोई भी कंपेरिजन इन दोनों ही डिवाइसेज के डिस्प्ले का नहीं बनता। UI फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है MIUI, वहीं Galaxy M32 रन करता है Samsung के OneUI पर। अब UI फीचर्स की बात करें, दोनों ही डिवाइसेज आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। दोनों में ही आज के ट्रेंड के हिसाब से जो जरूरी फीचर्स हैं वो सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें Galaxy M32 के बारे में तो वॉलपेपर थीम स्टोर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर जैसे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो ये कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं। जेस्चर कंट्रोल्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गेम लॉन्चर एंड गेम टूल्स और डुअल मैसेंजर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल वेलबींग, पावर सेविंग मोड और ये क्विक एक्सेस पैनल में आपको पावर सेविंग मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके अलावा ब्लू लाइट फिल्टर, डार्क मोड यानी कि नाइट मोड जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। डॉल्बी एटमॉस और NFC जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही बात करें Redmi Note 10 Pro के बारे में तो यहाँ भी वो सारे ट्रेंडी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आज के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि वॉलपेपर एंड थीम स्टोर। सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पावर सेविंग मोड, कुछ एडिशनल सेटिंग्स की बात करें तो जेस्चर कंट्रोल्स, क्विक बॉल जैसे फीचर्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डिजिटल वेलबींग आपको यहां देखने को मिल जाता है। स्पेशल फीचर्स के अंदर आपको गेम टर्बो देखने को मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस एंड लाइट मोड जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल और यहाँ भी आपको वो सारे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि नाइट मोड, DND, पावर सेविंग मोड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह। तो UI फीचर्स के मामले में दोनों ही डिवाइसेज आज के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, लेकिन Redmi Note 10 Pro में अब क्योंकि यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है इसीलिए यहाँ पर आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि आपको M32 में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की, तो रियर पर दोनों में ही आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप। Note 10 Pro की बात करें तो यहाँ प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.9, इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। वहीं गैलेक्सी M32 में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, अपर्चर साइज है 1.8, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। फ्रंट पर M32 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.2, वहीं Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.5। कैमरा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज में ऑटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, रियर और फ्रंट दोनों के लिए अल्ट्रा वाइड फोटोज का ऑप्शन, अल्ट्रा वाइड वीडियोज का ऑप्शन। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो नाइट मोड, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज से आप अल्ट्रा HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन
गैलेक्सी M32 5G में आपको 60 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, जबकि Redmi Note 10 Pro से आप 60 FPS का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फुल HD रिजोल्यूशन पर। इसके अलावा दोनों में ही EIS भी दिया गया है यानी कि वीडियो स्टेबलाइजेशन, बट Redmi Note 10 Pro में आपको सुपर स्टडी मोड भी देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर दोनों ही डिवाइस के कलर्स को देखें तो Note 10 Pro में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे या कहें ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू M32, और M32 में आपको Note 10 Pro के कंपेरिजन में बहुत हद तक नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी M32 के फोटोज़ आपको वॉशआउट नज़र आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको नेचुरल फोटोज़ पसंद हैं तो उस कंडीशन में M32 5G ज़्यादा बेहतर रहेगा Note 10 Pro के कंपेरिजन में। इसके अलावा Note 10 Pro के फोटोज़ में आपको वाइट बैलेंस का इशू भी देखने को मिलेगा, मतलब दोपहर के समय डायरेक्ट सनलाइट में आपके फोटोज़ में अननेसेसरी येलो टोन शो हो सकती है, मतलब आपके फोटोज़ पीले पीले शो हो सकते हैं। अब नेचुरल फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर M32 का फोटो थोड़ा सा वॉशआउट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इस फोटो की बात करें तो क्लाउडी वेदर में फोटो लिया गया है और M32 में नेचुरल पिक्चर्स होने की वजह से या फिर नेचुरल कलर्स होने की वजह से आप कह सकते हो कि ये क्लाउडी वेदर है, जबकि Note 10 Pro में आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये वेदर क्लाउडी है या फिर शाम के समय ये फोटो लिया गया है। अल्ट्रावाइड फोटोज़ में M32 Redmi Note 10 Pro को बीट करता है। पहला तो आपको M32 से वाइडर फोटोज़ मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। कलर्स भी आपको M32 के फोटोज़ में ज़्यादा बेहतर या फिर ज़्यादा पंची नज़र आएंगे Note 10 Pro के कंपैरिजन में, और डायनेमिक रेंज भी आपको M32 5G के अल्ट्रावाइड फोटोज़ में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। दोनों का ही एज डिटेक्शन काफ़ी कमाल का है, लेकिन M32 में थोड़ी सी वाइट स्किन टोन सो होती है और आपका पोर्ट्रेट मोड एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, तो वहीं Redmi Note 10 Pro से आपको एकदम शार्प पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कुछ परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब यहाँ मुझे गैलेक्सी M32 5G ज़्यादा बेहतर नज़र आया Note 10 Pro के कंपैरिजन में। जैसे कलर्स की बात करें तो Note 10 Pro के फोटोज़ में थोड़े से वॉशआउट कलर्स होते हैं, जबकि सेम कंडीशन में M32 5G काफ़ी पंची कलर्स देता है। रियर कैमरे में नेचुरल कलर्स चल सकते हैं, बट फ्रंट कैमरे में तो पंची कलर्स ही होने चाहिए जिससे आपकी सेल्फी एकदम कमाल की शो हो। अब यहाँ पर अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो M32 5G की सेल्फी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। डिटेलिंग के मामले में चाहे रियर कैमरे की बात हो चाहे फ्रंट कैमरे की, दोनों ही कंडीशन में Note 10 Pro गैलेक्सी M32 5G को बीट करता है। एट फोटोग्राफी की बात करें तो कुछ ये परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलती है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको Redmi Note 10 Pro से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू गैलेक्सी M32 5G। इसके अलावा M32 5G में आपको नॉइज़ भी ज़्यादा देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेज में नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड भी दिया गया है, और इनविजुअली दोनों ही डिवाइसेज का नाइट मोड काफ़ी कमाल का वर्क करता है, यानी आपको ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू ऑटो मोड। लेकिन अगर यहाँ भी इन दोनों को आपस में कंपेयर करें दोनों ही डिवाइसेज के नाइट मोड को, तो वहाँ भी Redmi Note 10 Pro का नाइट मोड गैलेक्सी M32 के नाइट मोड से ज़्यादा बेहतर है। कुछ फोटोज़ मैंने LED फ्लैश का यूज़ करके भी लिए हैं। अब यहाँ पर M32 5G में आपको एक अननेसेसरी येलो टोन शो होती है, तो वहीं Redmi Note 10 Pro में अननेसेसरी रेड टोन शो होती है, बट अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो Note 10 Pro बहुत हद तक नेचुरल कलर्स रखता है, आपके पिक्चर्स को नेचुरल रखता है, जबकि M32 5G आपके फोटोज़ को पीला पीला बना देता है। तो कैमरे के मामले में कहीं है Redmi Note 10 Pro बेहतर, कहीं है गैलेक्सी M32 5G बेहतर। अपने यूज के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको M32 5G लेने चाहिए या फिर Redmi Note 10 Pro। बाकी का ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक अलग से बनाया हुआ वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने कैमरे के बारे में बनाया है, Redmi Note 10 Pro वर्सेस गैलेक्सी M32 5G कैमरा कंपैरिजन। हार्डवेयर की बात करें तो गैलेक्सी M32 5G में आपको मिलता है Dimensity 720 प्रोसेसर, वहीं Note 10 Pro में आपको मिलता है Snapdragon का 732G प्रोसेसर। अब अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है स्पीड टेस्ट का, जहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कि दोनों ही डिवाइसेस के हार्डवेयर में कॉमन यूज़ में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल यूज के लिए दोनों ही लगभग सेम है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने दोनों ही डिवाइस बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों में ही माइनर लैग देखने को मिलता है। हाँ, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में आपको M32 ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा एज कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। वहीं अगर हाई एंड गेमिंग की बात करें तो जो आपको M32 पे खेलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है हाई एंड गेमिंग, तो वहीं Note 10 Pro पर आप कुछ लैग के साथ हाई एंड तक के गेम्स प्ले कर सकते हो। बाकी का हार्डवेयर में मैं यही बोलूँगा कि यहाँ कन्फ्यूज़ होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। बैटरी की बात करें तो M32 में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी और ये डिवाइस 15W चार्जिंग सपोर्ट करता है। Note 10 Pro में आपको मिलती है 5020mAh की बैटरी और ये डिवाइस 33W चार्जिंग सपोर्ट करता है।
अब यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि Redmi Note 10 Pro IP53 सर्टिफाइड है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है जो कि Galaxy M32 5G में नहीं है। तो अगर 5G की वजह से आप कन्फ्यूज हो तो आप M32 5G ही लोगे, लेकिन अगर 5G से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये जानना चाहती हो कि करंट सिचुएशन के हिसाब से Redmi Note 10 Pro ज़्यादा बेहतर है या फिर Galaxy M32 5G, तो फिर मैं यही बोलूँगा कि Redmi Note 10 Pro बहुत ज़्यादा बेहतर है M32 5G से, क्योंकि यहाँ पर आपको AMOLED पैनल मिलता है, प्रोटेक्शन काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। कैमरे की बात करें तो कुछ कंडीशन में M32 बेहतर है, कुछ कंडीशन में है Redmi Note 10 Pro, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे कैमरे के मामले में भी Note 10 Pro ज़्यादा बेहतर लगा। 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, सस्ता भी है और ट्रिपल स्लॉट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी का आपके सोचते हो M32 5G और Redmi Note 10 Pro के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपको M32 5G में कुछ ऐसी चीज़ लगी हो ज़्यादा बेहतर जो कि Redmi Note 10 Pro में ना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताना ना भूलें। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इंडिया, अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।